नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल बीएसके फार्मेसी दोस्त में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि बात करेंगे इस वीडियो में कि किस बीमारी में ये यूज होती हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो इन सभी टॉपिकों पर इस वीडियो में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस बीमारी में ये मेडिसिन जो है मैं लाया हूँ वो दिखाऊंगा अभी। तो यूज की जाती हैं ये फाइलेरिया या फाइलेरिसिस में ये यूज होने वाली मेडिसिन है। तो फाइलेरिया क्या होता है और कैसे होता है इस पर बात कर लेते हैं। तो फाइलेरिया को जो है हम हाथी पाँव या फील पाँव भी कहते हैं। तो ये होता कैसे है, ये अक्सर जो है मच्छरों के काटने से फाइलेरिया रोग फैलता है। तो क्या होता है कि मच्छर के अलावा ये कभी कभी मक्खियों से भी फैल सकता है। तो जो मच्छर जिनके लार्वा बुचरेरिया ब्रोंकोफाइटिस एक लार्वा होता है, तो उसकी वजह से ये फाइलेरिसिस या फाइलेरिया रोग हो जाता है। जब मच्छर काटता है तो क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम में वो लार्वा पहुंच जाता है और धीरे धीरे जो है ग्रो करने लगता है। और जब ग्रो करने लगता है तो जहाँ पर भी ये रुक जाता है और एक कॉलोनी टाइप की बना लेता है, जैसे क्या होता है कि फाइलेरिया आपके हाथ में भी हो सकता है या पैर में भी हो सकता है। अक्सर क्या होता है कि ज़्यादातर इसका असर जो है पैरों में देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि जिस पैर में इसका इन्फेक्शन रहता है तो वो पैर जो है नॉर्मल से ज़्यादा सूज जाता है, स्वेलिंग होने लगती है और साथ ही उसमें दर्द होता है। तो वहाँ पर जो है जिस पैर में ये लार्वा रुक जाएगा जहाँ पर, तो वहाँ पर कॉलोनी बना लेता है और धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। तो धीरे धीरे ये बुचरेरिया ब्रोंकोफाइटिस जो लार्वा होता है अपना एक तरीके से क्या होता है फैमिली तैयार करने लगता है। तो जिससे कि उनकी संख्या अधिक हो जाती है और वहाँ पर इकट्ठा होकर ये ब्लड स्ट्रीम में फैल जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं, तो धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ाते हैं और पैरों में सूजन होती है, दर्द होने लगता है, सूज जाते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए ये होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनको यूज करना है और आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैं मेडिसिन दिखा रहा हूँ आपको, ड्रग्स 10, जो कि हसलैब कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो इसको यूज कैसे करना है, क्या करना है कि इसको 10 से 15 बूंद आप पानी में, आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम यूज़ करें। और साथ ही दूसरी मेडिसिन है R56, जो दिखा रहे हैं आपको R56, इसको क्या करना है, इसको भी आधा कप पानी में 20 से 25 बूंद आप उसमें आधे कप पानी में मिलाएं और सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इसको यूज करें। और तीसरी मेडिसिन है ये HC9, तो ये भी हसलैब कंपनी का है और ये जो है R56 ये डॉक्टर रेकवेक का है और HC9 जो है ये हसलैब कंपनी का है। तो HC9 में क्या है, इसमें टेबलेट्स हैं। तो ये टेबलेट्स जो है आपको 2 टेबलेट सुबह दोपहर शाम डायरेक्टली जो है अपने जीभ पे रख के चूसनी है। तो आप इसको तीनों टाइम्स को ले सकते हैं और साथ ही इन तीनों मेडिसिन को यूज करने के लिए कम से कम आप 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें। मतलब एक मेडिसिन जब आप यूज़ कर चुके हैं तो उसके बाद में 15 मिनट का कम से कम ब्रेक लें, उसके बाद में ये यूज़ करनी है R56 और उसके बाद में आप HC9 15 मिनट के बाद में। और क्या करें कि खाने और दवाई का अंतर कम से कम आधे घंटे का होना चाहिए। आप खाना खाने के आधा घंटा पहले लें या फिर खाना खाने के आधा घंटा बाद इस दवाई को, इस मेडिसिन को यूज़ करें और रेगुलर कम से कम आप 5 से 6 महीने यूज़ करें तो आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे और आपको इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। तो यही था आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।